देश भगती का शब्द वो एक बंदे की भावना है, वो साड़ी सजीव भावना साड़ा सामूहिक उत्तरदायित्व बन जाता है देश वास्ते। हुण जरूरी नहीं जाके सरहदा ते लड़िया जाए, अज देश वास्ते सरहदा ते जाके लड़न की लोड़ नहीं है, अज देश वास्ते जीन की लोड़ है। जिंदगी गुजारनी नहीं जिंदगी जीनी है। तो आप किसी भी क्षेत्र रहने हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे असी नगर के रेंगे हैं, चाहे गिर किंदरावा पहाड़ों रेंगे हैं, जिस क्षेत्र में असं काम कर रहे हैं अपनी समर्था अनुसार अपनी क्षमता अनुसार असी भी देशभक्ति की भावना देशभक्ति दिखा सकते हैं। पर सा सिर्फ एक सोच होनी चाहिए और सकारात्मक देश के प्रति, देश के प्रति करने वाले उस हद तो ज़्यादा जोश की जरूरत है। मैं प्रधान जी तो इस मंच के ज्यादा समय ना शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 मौके ते पूरे हिंदुस्तान दे विच जिथे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उत्थे अज मेरे इस दफ्तर दे विच मेरे इस स्टाफ दे विच पहुँच के इस भारत की शान साडी शान तिरंगा नूं लहराउण दा जो तुसी मैनू ये मौका बख्शिया उस दे वास्ते मैं दिल दी गहराइयां तों तुहाडा धन्नवाद और तुहानूं सबनूं अज दे इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। अज दे इस आयोजन दे विच कार साधक अफसर श्री मंगत कुमार जी और एमी साहब मेरे सारे ही कौंसलर साथी सारा स्टाफ और विशेष तौर पर मेरे चाचा जी श्री रामचंद जी सचदेवा पहुंचे है, मैं इन्हों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करदा। जिस तरीके दे नाल मेरे वीर दिनेश शर्मा जी ने अपने विचार रखे उन्होंने भावनावां तो यह लगता है कि आजादी अजे अधूरी है। जरूरी नहीं है कि देश दे प्रति साडा प्यार होवे तां सानू आजादी मिलती है। असी अपने कार्य क्षेत्र दे विच अपने काम दे प्रति समर्पित होइए ये भी देश सेवा है, ये भी भारत माता की सेवा है। अज हर इंसान ये देखदा कि मैनू अधिकार की ने पर अपने कर्तव्य दे बारे कोई भी समझन नूं पुछन नूं तैयार नहीं। ड्यूटी साड़ियां सरकारां निभा रही हैं इस तरह के प्रबंध करके कि असी सिंगल यूज प्लास्टिक नूं बैन करिए, लेकिन साड़ी ड्यूटी उत्थे की है कि असी उन्हां सरकार के हुक्मां का पालन करिए। देखो जी अज जिवें कि सारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, इन्हें साढ़े इस नगर कौंसल के समूह समाज स्टाफ वालों सारे शहर वासियों सारे देश वासियों बहुत बहुत मुबारक आज़ादी दी। मैं पूरे भारत वासियों आज़ादी दिवस की बधाई देना चाहना कि भारत वासियों ने भारत की धरती से बहुत वधिया हरेक पार्टियां दे वर्करां ने
हिंदुस्तानियों ने बहुत धूमधाम हिंदुस्तान के जिहड़ा अज आजादी दिवस मनाया। मैं पंजाब वासियों को भारत वासियों मेरे फाजिलका वासियों को बधाई देना वाहेगुरु इस धरती से भारत से एवं ही मेहर भर आजादी के इस अमृत महोत्सव के 75 वरे गांठ से सब तो पहले तो सारे देश वासियों लख लख बधाइया हो। एक जी मैं संदेश सारे देश वासियों देना चाहनी हाँ वो है कि सानू साढ़े देश के प्रति जोड़ा कर्तव्य है उन्होंने सच्ची निष्ठा ना पूरा करना चाहिए और देश के दे वास्ते जो कर्तव्य है उनके एनवायरमेंट भी आंदा है, पेड़ लगाना भी आंदा है, वातावरण साफ रखना भी आंदा है, यातायात नियमों का पालन करना भी आंदा है और इस अलावा जोड़े साढ़े बच्चे ने वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर सारा कुछ साढ़े देश के कर्तव्य आंदा है तो सानू इस कर्तव्य में सच्ची निष्ठा ना निभाना चाहिए। थैंक यू मैम। हाँ जी सर की कहना चाहते हो? आजादी के 75वें दिवस के उत्ते असं पंजाब के लोगों हिंदुस्तान के लोगों बहुत सारिया बधाइया दिने कि देश तरक्की करे, देश उन्नति करे, देश बेरोजगारी खत्म होवे, देश दे विच असी अपने देश नूं समर्पित रहीए पर असी उन्हां लोगों नूं नहीं भुलदे जिन्होंने देश की आज़ाद कराने दे विच विशेष अपनियां जानां कुरबान कीतियां उन्होंने शरदा के फुल पेंट करते हैं कि आज़ादी के समय जो 10 लाख तो लोग ज़्यादा लोग जिन्हों का बेवकती मौत हुई जिन्होंने उस आज़ादी के बहुत घर बार छड़ के कतल सामना कतल किए गए उन्होंने भी असं शरदा के फुल पेंट करते हैं। लोगों इस गल की अपील करते हैं कि जड़िया नवीं पनप रही देश को तोड़न वाली जड़िया शक्तियां हैं उन्हों का आप डट के मुकाबला करिए अपने आज़ाद भारत की आप पूरा निष्ठा नाल आप जो अपने फर्ज बनते उन्हों की पालना करिए कि आप एक सोहना पंजाब से सोहना देश बना सकें। ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।